हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फीफो मैथड। ठीक है, ये लीफो नहीं है, ये फीफो मैथड है। तो फीफो मैथड का मतलब क्या होता है? फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैथड। ठीक है ना, जहाँ पे प्रोडक्ट जो है, जो सबसे पहले आएंगे मटेरियल्स, उन्हीं का इस्तेमाल सबसे पहले होगा। फर्स्ट इन जो पहले आएंगे, फर्स्ट आउट वही जो है पहले बाहर भी जाएंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब ये होता है। अब इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, आप हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और इस ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करने के बाद एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। जिस तरीके से आप ट्यूशंस करते हो, उसी तरीके से ट्यूशंस आप हमारे पास करेंगे। आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनी कुछ भी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं तुरंत आपको व्हाट्सएप सपोर्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपए भी आपको देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको बहुत ही सस्ते दामों पर, यू नो, लो कॉस्ट जो है आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है ठीक तरीके से कर सकें। इसके साथ ही साथ आपको यू नो जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो क्लासेस की आवश्यकता पड़ती है, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है, आपको गाइडेंस चाहिए या काउंसलिंग चाहिए किसी टॉपिक के बारे में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। अगर आपको लगता है कि किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनवाना है, ऑन डिमांड लेक्चर करना है, तो वो भी चीजें पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप हमारे चैनल को पक्का ज्वाइन करें। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में आए। प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिनको देख करके, जिनको पढ़ करके, जिनको सुन करके आप अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फीफो मेथड। नाउ सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले एडवांटेजेस कर लेते हैं। सो इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट। जो फीफो मेथड होता है वो बहुत ही समझने में बहुत आसान होता है, और आप उसको बहुत ही इजीली ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो चीजें पहले आई हैं वही चीजें पहले जाएंगी, है ना। दूसरा है, सिंस मटेरियल्स आर चेंज्ड चार्ज टू प्रोडक्शन एट एक्चुअल कॉस्ट, नो प्रॉफिट और लॉस बाय रीजन ऑफ अडॉप्टिंग दिस मेथड। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मटेरियल होता है ना, उसको चार्ज किया जाता है प्रोडक्शन एट एक्चुअल कॉस्ट, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट होता है उसके ऊपर, प्रोडक्शन का जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉफिट या फिर किसी भी तरह का लॉस जो है यहाँ पे आपको पता नहीं चल पाता है इस वाले मेथड के अंतर्गत। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, राइट। तीसरा पॉइंट है, इट इज गुड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ये एक अच्छा इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, सिंस इट द ओल्डेस्ट यूनिट्स आर यूज्ड एंड इन्वेंटरी कंसिस्ट ऑफ लेटेस्ट स्टॉक, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बहुत ही अच्छा इन्वेंटरी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे जो ओल्डेस्ट यूनिट्स होते हैं उनको निकाला जाता है, जो पहले आता है वही पहले निकलता है। तो यहाँ पे जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट होगा वो बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लेटेस्ट स्टॉक होता है वहां पे वो सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रीवियस स्टॉक का जो है आपके, यू नो, आपके पास रखा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, जो नया आया उसका इस्तेमाल कर रहे हो, प्रीवियस स्टॉक को आपने छोड़ दिया। जो पहले आएगा स्टॉक उसी को पहले निकालने की बात यहाँ पे बोली जाती है। दैट इज व्हाई इट इज अ बेटर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, है ना। चौथा है, क्लोजिंग स्टॉक जनरली रिप्रेजेंट्स फेयर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज इट वुड कंसिडर रिसेंट परचेज ऑफ मटेरियल्स, है ना। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी जो वैल्यू हमें पता चलती है स्टॉक की, वो हमें एक तरीके से सही वैल्यू पता चलती है, क्योंकि ये जो है रिसेंट परचेज ऑफ मटेरियल्स को एक तरीके से शो करता है। जैसे कि सपोज मैंने कोई सामान खरीदा, उसका दाम दो महीने पहले 50 रुपए थे, वही चीज का सामान मैंने अभी खरीदा, उसके दाम अब 70 रुपए हो गए, राइट। तो जब मैं क्लोजिंग स्टॉक चेक करूंगा तो मैं प्रीवियस वाला तो चेक करूंगा नहीं 50 रुपए वाला, क्योंकि वो तो तब तक निकल चुका होगा, पहले तो वही निकलेगा ना, बाद में 70 रुपए वाला निकलेगा। तो अभी का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी क्या वैल्यू है मुझे अच्छे तरीके से पता चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। लास्ट में भले मैंने परचेज किया हो, बट वही उसी की वैल्यू मुझे निकालनी है ना, पहले की तो वैल्यू नहीं निकालनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है, प्राइस का जो वैल्यूएशन होता है स्टॉक का उसको निकालने में आपको बहुत ज्यादा सहूलियत यहाँ पे मिलती है इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत, है ना। सो दीज आर द एडवांटेजेस। लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस, इसके क्या क्या नुकसान है। तो नुकसान में सबसे पहले बताया गया है, द नंबर ऑफ कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेट्स द अकाउंट्स इफ द प्राइसेस ऑफ मटेरियल परचेस्ड फ्लक्चुएट कंसिडरेबली एंड इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ
एरर्स है ना। तो जितने ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस होंगे कॉम्प्लिकेशंस उतने ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो मटेरियल परचेज आप एक बार तो नहीं करते, आप बहुत बारी मटेरियल परचेज करते हो, तो जब आप बार बार मटेरियल्स को परचेज करोगे तो जो प्राइस होगा ना वो फ्लक्चुएट करेगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि 2 महीने 50 रुपए था, अभी 70 रुपए हो गया। तो ये देखो प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ ना, कभी बढ़ गया कभी हो सकता है घट भी गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये अगर कंसिडरेबली बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो उस केस में गलतियां होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, एरर होने के चांसेस, गलतियां होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाती है ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द मटेरियल दैट यू आर बाइंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा डिसएडवांटेज है, यूजुअली मोर देन वन प्राइस हैज टू बी अडॉप्टेड फॉर ईच इशू। तो हर इशू के टाइम पे आपको तकरीबन एक से ज्यादा प्राइसेस आपको लेने होते हैं। सपोज आपने 50 सामान खरीदा लेकिन लोगों ने ऑर्डर दिया 70 का, तो 50 सामान 50 रुपए पे आपने खरीदा था लेकिन अभी जो आपने ऑर्डर किया है वो 70 रुपए पे था, तो 50 सामान आपको 50 रुपए पे देना है और जो बाकी का 20 सामान है वो आपको 70 रुपए की प्राइस पे देना है। तो एक बार में ना जब भी ऑर्डर आप पूरा करते हो तो प्राइस जो होता है ना वो सिंगल नहीं होता, सिंगल भी होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है कि हर एक इश्यू में जो प्राइसेस होता है वो एक से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलती है। सो कंपैरिजन ऑफ वन जॉब विद अनदर मे बी डिफिकल्ट बिकॉज इश्यूज टू वन मे बी चार्ज एट प्राइसेस डिफरेंट फ्रॉम द अदर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करना चाहोगे डिफरेंट जॉब्स के बीच में तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, क्योंकि जो चीजें आपको प्राइस पे इशू की जा रही है वो चीजें हो सकता है दूसरे जगह पे किसी और प्राइस पे इशू की गई हो, राइट। तो जब डिफरेंट प्राइसेस पे इशू की जाएगी तो आप कंपैरिजन ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे डिफर कर रही है ना, जो फैक्टर है हमारा सबसे बड़ा प्राइस, उसी में डिफरेंस है। तो कंपैरिजन आप कैसे ठीक तरीके से कर पाओगे। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज, ये तीसरा डिसएडवांटेज है इनका जिसको जिसमें ये बात बताई गई है। चौथा है इन अ फ्लक्चुएटिंग मार्केट, किसी भी फ्लक्चुएटिंग मार्केट में द इफेक्ट ऑफ द करेंट मार्केट प्राइस इज नॉट रिसेंट द कॉस्ट ऑफ इश्यूज, है ना। तो जो फ्लक्चुएटिंग मार्केट होता है वहां पे प्राइस को मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस को आप समझना, प्राइस को सही तरीके से यू नो इवैल्यूएट करना, प्राइस के अकॉर्डिंग जो है आपको इशू करना अपने मटेरियल्स को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टायरसम जॉब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, जिसके लिए ये कार जिसके कारण से ये जो है इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि फ्लक्चुएटिंग मार्केट में आपने आपको अपने प्राइसेस को एक तरीके से मैनेज करना होता है, जो रिसेंट प्राइसेस होती है उसके ऊपर ध्यान रख करके जो है आपको अपने ऑर्डर्स को निकालने होते हैं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे टोटल 4 मैंने एडवांटेज और 4 मैंने डिसएडवांटेज बताए हैं फीफो मेथड के। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।